अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ अरजू कासमी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं जी भेजो फ्राई का नया एपिसोड। बिल्कुल जी, हम आगे बढ़ेंगे और बीच बीच में मैं खांसती रहूंगी, गला पकड़ती रहूंगी, तो आप लोग परेशान नहीं होगा क्योंकि मेरा गला हो गया खराब और ठीक नहीं हो रहा किसी तरीके से। मैं कोशिश कर रही हूँ और मेडिसिन भी ले रही हूँ, लेकिन ये कि अभी तक ठीक नहीं हुआ है, तो इसलिए अगर बीच में मुझे खांसी आ जाए तो प्लीज आप लोग माइंड ना किएगा। लेकिन इससे पहले कि हम न्यूज की तरफ चलें, सबसे पहले ये कि जिस जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम जी आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने से पहले जी, बिल्कुल दिसंबर का आखिर हो गया है, 3-4 दिन ही रह गए हैं नया साल शुरू होने में, और आप सबको मेरी तरफ से एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। और इंशाल्लाह बहुत मेरी दुआ है आप सबके लिए कि आपका साल, नया साल बहुत अच्छा हो, जो प्रॉब्लम्स या जो इश्यूज हमने इस साल में देखे वो हमें नेक्स्ट ईयर ना देखने पड़े। लेकिन इससे आप ज्यादा खुशमत होइए, हमें कोई और तरह के इशूज देखने पड़ जाते हैं, इसलिए कि प्रॉब्लम्स तो रहती ही हैं, इंसान जब तक जिंदा है तब तक प्रॉब्लम्स तो आती ही रहती हैं, लेकिन असल बात यह है कि हम उसको कैसे हैंडल कर रहे हैं, हम उसको किस तरह से उसे जिसे कहना चाहिए मुकाबला कर रहे हैं, वो चीज़ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल अपना बहुत ख्याल रखिएगा, नए साल में भी आप लोग जो है वो खूब अपने प्रॉब्लम्स के साथ लड़ते रहिएगा और खुश रहिएगा, यही हम आपके लिए दुआ करते हैं। और अब हम चलते हैं अपनी न्यूज़ की तरफ। सबसे पहले हम जाएंगे जी फवाद चौधरी साहब की तरफ। फवाद चौधरी साहब का कहना है कि जी नून लीग वाले पॉलिश लेकर खड़े हैं, कोई बूट नहीं आगे कर रहा। मतलब फवाद चौधरी साहब का कहना है कि हम तो, जैसे आप जानते ही कि हम फौजी बूट को साफ करते रहते हैं, पॉलिश करते रहते हैं, लेकिन नून लीग वाले, पीएमएलएन वाले यानी नवाज शरीफ साहब की पार्टी को वो कह रहे हैं कि वो पॉलिश लेके खड़े हैं लेकिन कोई बूट दे नहीं रहा। तो कैसे देगा सर, आपकी अपनी पार्टी जो है अभी बूट पॉलिश करने में लगी हुई है, बूट पॉलिश करके ही आप लोग जो है वो पावर में आए हैं। और ये फैसल वावडा साहब, आपकी पार्टी के पहले ये मिनिस्टर थे और अब ये सेनेटर हैं, और ये कितने बड़े फ्रॉड हैं और कितने इनके केसेस चल रहे हैं जिसका फैसला ही नहीं आ पा रहा, वो भी सभी जानते हैं। और वो भी इसीलिए नहीं हो पा रहा, इनके ऊपर केस जो बना है उसकी इनको सजा इसलिए नहीं हो सक रही क्योंकि हर जगह, यहाँ तक टिकटॉक शो में भी ये फौजी बूट लेके पहुंच जाते हैं। तो जाहिर है ऐसे लोगों के साथ फिर क्या हो सकता है। खैर, हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको ये बता दें कि जी ये उलमा है हमारे यहाँ के, यानी मुल्ला माफिया जिसे मैं कहती हूँ, हमारे यहाँ की पाकिस्तान की मुल्ला माफिया जो है उसके जो हेड हैं ताहिर अशरफी साहब, उनका कहना है कि जी जो टेक्स्ट बुक्स में हम लोग बच्चों को नफरत सिखाते हैं माइनॉरिटी के खिलाफ, दूसरे रिलीजन के खिलाफ, हर एक को कहते हैं कि इसकी गर्दन उड़ा दो, हर एक को कहते हैं कि इसको मार डालो, वो उनका कहना है कि जी वो टेक्स्ट बुक्स में से हम वो चीज़ें जो है वो हटवा देंगे। अब अजीब बात यह है कि सर ये खुद ही तो आप लोगों ने करवाया है, ये टेक्स्ट बुक्स आप ही लोगों ने बनवाई हैं, ये जहर बच्चों के जहनों में आप ही भर रहे हैं और अब आप ही कह रहे हैं कि हम ये हटवा देंगे। मतलब कमाल करते हो पांडे जी, मुझे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं कि आप ऐसा कर पाएंगे। अगर कोई और आपके ऊपर यकीन कर लेता है तो वो उसका अपना मामला है, लेकिन मुझे तो बिल्कुल भरोसा नहीं है कि आप ऐसा कुछ कर पाएंगे और आप इस तरह की टेक्स्ट बुक्स में से ये सारा कुछ जो आपने उसमें लिखा है, जो नफरतें आपने उसमें भरी हैं दूसरे रिलीजन के खिलाफ, दूसरे मुल्कों के खिलाफ, उसको आप जो है वो हटवाने के लिए तैयार हैं और आप कह रहे हैं कि आप टेक्स्ट बुक्स को देखेंगे और ऐसा करवाएंगे, यानी जिन्होंने किया है वही कह रहे हैं हम हटवाएंगे। मतलब कमाल हो गया। और इस तरह के कमालात आपको सिर्फ और सिर्फ, या इस तरह के चमत्कार आपको सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में ही देखने को मिल सकते हैं, इसलिए कि जितनी अच्छी नौटंकी हम करते हैं कोई नहीं कर सकता। खैर, हम आगे बढ़ते हैं और जी हम बात करेंगे दूसरी न्यूज़ ये कि जरदारी साहब का कहना है कि भुट्टो साहब यानी कि उनके जो ससुर हैं वो, और बीवी यानी कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जिनकी आज बरसी मनाई जा रही है और डेथ एनिवर्सरी उनकी 14 है, उनके बारे में कहना है कि वो आज भी मुझसे बातें करते हैं। बिल्कुल करते होंगे सर, अब क्या कहा जा सकता है आपको इस बारे में, हम क्या बोल सकते हैं कि इस तरह के बातें, इस तरह की अजीब अजीब बातें जो हैं वो हमारे सारे ही लीडर करते हैं, तो आप भी कर लिया कीजिए। लेकिन अगर बीवी साहब आपसे बातें कर रही होती और आप वाकई में जुल्फिकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो से बातें कर रहे होते आज भी, तो शायद आपकी पॉलिटिकल पार्टी का ये हाल ना होता जो हो चुका है, और साथ ही लड़काना सिंध और ये सब इस तरह से तबाह ना होते जिसके ऊपर आप सालों से हुकूमत कर रहे हैं, मगर आज उनका क्या हाल है ये भी सभी जानते हैं। खैर, हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं और उसके बाद बात करते हैं। पाजवी एक कन्विक्टेड प्राइम मिनिस्टर के हक में,
कैसे देखते हैं कन्विक्टेड प्राइम मिनिस्टर जो अपील में अभी तक उसका फैसला कन्विक्टेड ओवरटर्न भी नहीं हुआ है उसके हक में करारदाद? कन्विक्टेड क्या होता है? मतलब कन्विक्टेड क्या कन्विक्टेड? आई मीन नेल्सन मंडेला वाज कन्विक्टेड, आन सेंग चोई वाज कन्विक्टेड, महात्मा गांधी वाज कन्विक्टेड, कन्विक्टेड क्या होता है? मतलब देखें, अगर आप ये कह रहे हैं ना कि एक मॉरली बड़ी बुरी बात हो गई है, नहीं ऐसा नहीं है। मॉरल मुख्तलिफ है, फैसल के मुख्तलिफ होंगे, सदीकुल फारूक के मुख्तलिफ होंगे। मेरे पीपल्स पार्टी का जो कारकुन है उसके नजदीक तो प्राइम मिनिस्टर की ये जो कन्विक्शन है ये एजाज है। क्यों एजाज है? कि वो बड़ी शर्म शख्स की बात है अगर किसी कोर्ट की आपने तोहिन करना एजाज आप समझते हैं तो ये कोर्ट की तो क्या तोहीन नहीं है? नेल्सन नहीं, मंडेला ने कोर्ट की किस क्या कोर्ट की तोहीन? तोहीन की थी ये मुझे बता दें, आप हाँ, बड़े बड़े he नाम was दे रहे हैं आप। convicted for bathide. कन्विक्शन उस वक्त उस कोर्ट के नजदीक वो जुर्म था ना। मैं ये आपको कह रहा हूं, अदालतों के फैसले तारीख नहीं बनाते, तारीख अपने फैसले खुद करती है। जुल्फकार जी, तो ये थे जनाब फवाद चौधरी साहब, और मेरे ख्याल है जिस वक्त बात कर रहे हैं उस वक्त ये शायद पीपल्स पार्टी में हुआ करते थे, और उस वक्त उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता था कि अगर कोई पॉलिटिशियन जो है वो कन्विक्टेड है या उसके ऊपर कोई केस चल रहा है तो कोई बात नहीं। लेकिन अब उनका जो बातचीत करने का जो स्टाइल है वो चेंज हो चुका है, और अब क्योंकि नवाज शरीफ साहब की बारी है और वो पीटीआई के मेंबर हैं तो अब अजीब अजीब बहकी बहकी बातें करते हैं। खैर, हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको दूसरी न्यूज़ ये देने लगे हैं। बिल्कुल जी, पहले ये पिक्चर देख लीजिए और फिर हम इस पे आपको बताते हैं कि ये हुआ क्या है। ये जी, इंडिया के किसी स्कूल ने जो है वो एक पेपर दिया बच्चों को, और उसमें पूछा ये गया कि जी सैफ और यानी सैफ अली खान और करीना कपूर के बेटे का नाम बताइए। यार कितने मजेदार स्कूल होते हैं ना इंडिया में। अगर यही स्कूल हमारे यहाँ होता और वो भी हमारे टाइम पर होता तो मैं तो फर्स्ट आती, बल्कि A+ लेती। मुझे तो सारे एक्टर्स, पूरी फैमिली, उनके एक एक के नाम पता है, उनके पेरेंट्स के, उनकी बीवी के, उनके बच्चों के, सबके नाम मुझे आते हैं। जितने भी एक्टर्स हैं, मतलब जैसे कहना चाहिए ना कि बच्चन साहब या अनिल कपूर के टाइम से लेकर, बल्कि उससे भी पहले, मुझे तो दिलीप कुमार और देव आनंद और शमी कपूर साहब, राज कपूर साहब, उनके पूरे पूरे खानदान मुझे रटे हुए, मैं तो फर्स्ट आ जाती। मुझे तो इतना अपने खानदान वालों के नाम नहीं आते जितने लोगों के आते हैं। लेकिन खैर, उस पर हुआ ये कि जी इन्होंने, पेरेंट्स ने जो है यानी सैफ और करीना ने जो है वो केस कर दिया मेरे ख्याल है उस स्कूल के ऊपर, और उसके बाद जो है वो आप जानते हैं कि चित्रौल हो गई वहां पे स्कूल की, और स्कूल को जो है ना वो फिर हटाना पड़ गया वो क्वेश्चन। खैर, ये भी अजीब अजीब सी न्यूज आती रहती है, मगर खैर इंटरेस्टिंग होती है तो मैंने सोचा कि बता ही देती हूँ। क्या पता किसी को फिल्मों में भी इंटरेस्ट हो, तो आप लोग फिल्में तो देखते नहीं है, आप लोग बस पाकिस्तान और इंडिया की न्यूज चैनल्स देखते रहते हैं। अब हम भी न्यूज चैनल्स भी जो है वो फिल्मों से कम नहीं रह गए। खैर, हम आगे बढ़ते हैं और ये देखिए जी, ये जो मैं आपको पिक्चर अब दिखाने लगी हूँ, और इसको आप देख सकते हैं कि इस पे जो है वो आपको मटर नजर आएंगे। और जी बिल्कुल, और लिखा है जी फौजी लिखा हुआ है ऊपर, फौजी फ्रेश, बिल्कुल फौजी फ्रेश लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि जब हम सोए होते हैं तब हमारी फौज मटर छील रही होती। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी ही बात है, और लगता यही है देखकर कि अब हमारी फौज ने जो है हर बिजनेस ले लिया जी। प्रॉपर्टी का बिजनेस अल्हम्दुलिल्लाह हम करते हैं, मतलब हमारी फौजी करते हैं, पैम्पर बनाते हैं, ब्रेड बनाते हैं, सीरियल बनाते हैं, फौजी सीरियल, पता नहीं क्या कुछ बनाते हैं, बस ये मटर छीलना रह गया था। वैसे ये काम बेस्ट करते हैं, इसलिए कि मुझसे तो मटर ही नहीं छीले जाते। अब तो अच्छा है ना, हम अपने फौजियों से कह के मटर भी छिलवा सकते, कमाल ही हो गया जी। ये तो मेरे लिए तो जिंदगी आसान हो गई, इसलिए कि मुझे तो मटर बड़े पसंद है। और मैं तो कई बार आप लोगों से भी कह चुकी हूँ, अगर किसी के पास टाइम है तो प्लीज़ आके मेरे घर पर मटर छील दें, लेकिन आपको ज़रूरत नहीं, अब हमारे फौजी मटर भी छील के देंगे। ऐसी क्या बात है, कोई इंडियन फौजी थोड़ी है कि बस सरहद पर खड़े रहे, बस उसके अलावा कोई काम नहीं इंडियन फौजियों के, सिर्फ और सिर्फ बॉर्डर पे खड़े होते हैं, कभी चाइना के बॉर्डर पे खड़े होते हैं, कभी इधर पाकिस्तान की तरफ खड़े हो जाते हैं कश्मीर बॉर्डर पे आके। हमारी फौज देखिए, हमारी फौज तो मटर भी छीलती है, तो अच्छी बात है ना, मटर भी छीलने चाहिए, ऐसी कौन से मसला हो गया। लेकिन खैर, हम आगे बढ़ते हैं, वरना आप लोग तो हर बात को नॉन सीरियस ले रहे होते हैं। साथ ही साथ जी, इमरान खान साहब का, जैसे मैंने पहले कहा था, उनका कहना है कि ह्यूमन राइट्स और वुमेन राइट्स जो हैं ये दो अलग अलग चीज़ें। बिल्कुल यही कुछ सुनने के बाद जो है हुआ ये है कि जी तालिबान ने कह दिया है कि जी ट्रांसपोर्ट अगर इस्तेमाल करनी है वहाँ की खवातीन को, यहाँ की, वहाँ की वुमेन को, लेडीज़ को, तो वो विदाउट हिजाब नहीं जा सकती, और कोई ना कोई मेल रिलेटिव भी साथ होगा तभी वो ट्रांसपोर्ट यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो इस्तेमाल कर सकेंगी। और उसके बाद हम कहते हैं नहीं जी, तालिबान तो बदल गए, तालिबान तो वो तालिबान है ही कोई नहीं। मेरा ख्याल है बिल्कुल पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल ठीक कहती है, ये वो तालिबान नहीं है जो पहले थे, ये उससे भी ज़्यादा बदतरीन
तरीके से सामने आए हैं, उससे भी ज्यादा बुरी हरकतें इनकी हैं, तो बिल्कुल ये वो तालिबान नहीं है, ये उससे भी ज्यादा बिगड़ी हुई शक्ल है। और अब हमें भी ये भुगतना पड़ेगा, इससे हम बच नहीं सकते। जैसे मैंने पहले भी कहा कि सऊदी अरब ने हमें तो लगा दिया जी जिहाद करने पे, और खुद वो यूरोपियन बनने चले, और उनके जो MBS है उनका कहना है कि जी अगले 5 साल में सऊदी अरब को यूरोप बना देंगे। जी बिल्कुल, सऊदी अरब यूरोप बन जाएगा और हम अफगानिस्तान बन जाएंगे, हमारे यहाँ वही शटल कॉक बुरके चल रहे होंगे और ये लितर पड़ रहे होंगे, लितर पड़ रहे होंगे मैं पंजाबी में, मतलब कोड़े पड़ रहे होंगे, मतलब जो वो मार रहे होते हैं ना लेडीज को, उस तरह की कोई हरकतें मुझे यहाँ पाकिस्तान में होती हुई नजर आने लगी है। मेरा ख्याल है कि मैं 9-2-11 हो जाऊं, लेकिन कैसे, इसलिए कि पाकिस्तान से जो है वो तो आप कोई वीजा ही नहीं देता जी, वो कहते हैं पासपोर्ट देके कहते हैं अच्छा पाकिस्तानी है, ठीक है उधर ही बैठी है। तो खैर हम आगे बढ़ते हैं और इस तरह की बातें तो हम करते ही रहते हैं जी। खान साहब को आपको पता है कि तरह तरह की बातें करने का की आदत है, और हर तरह की, तो उनके मिनिस्टर्स की शक्लें कुछ ऐसी हो जाती हैं जब खान साहब स्पीच दे रहे होते हैं। फवाद चौधरी साहब को देखें कितने गौर से वो खान साहब को सुन रहे हैं। बाकी तो हमारा माई बाप जो है, और सऊदी अरब का भी जो माई बाप है वो डॉलर है, तो बिल्कुल डॉलर लेने के लिए हम चारों तरफ भागे भागे फिर रहे हैं। लेकिन अब ये है कि खान साहब ने ये भी कह दिया है कि जी महंगाई को कंट्रोल करना होगा, और महंगाई को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने, जैसे आजकल सर्दियां है ना तो अंडे बड़े महंगे हो गए, तो इमरान खान साहब का कहना है कि जी तमाम अपने जो कैबिनेट है उसको कि जी पाकिस्तान में अंडे सस्ते कीजिए, चाहे अंडों की कीमतें कम कीजिए, चाहे अंडे खुद देने पड़े। सॉरी, ये खान साहब ने नहीं कहा, ये पता नहीं तुम लोग क्या लिख के रख देते हो। खान साहब ने ये कहा है कि चोरों से पैसे निकलवाने के लिए पब्लिक हमारी मदद करे। बिल्कुल जी, ये खान साहब ने कहा है, यानी कि उनका मतलब है कि फौजियों से पैसे निकलवाने के लिए पब्लिक मदद करे। चोरों क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे, चोर तो नहीं, मतलब फौजियों के पास है ना वो जो रिटायर्ड हो गए, नहीं सॉरी मेरा ख्याल है कोई गलत नहीं हूँ, ये खान साहब ने लेकिन चोरों कहा है, पता नहीं खान साहब क्या कहना चाह रहे थे, अपनी कैबिनेट को कह रहे थे, या पता नहीं आसिम सलीम बाजवा का नाम ले रहे थे, या पता नहीं दूसरे जो रिटायर्ड है ना जिनका आइलैंड भी है और जिनके फ्लैट भी है उधर 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 उधर, तो पता नहीं उनको कह रहे हैं किसको कह रहे हैं, लेकिन इन लोगों ने ना बजाय इसके कि सही सही डिपार्टमेंट लिखता है किस जगह की बात हो गई, इन्होंने चोरों लिख दिया। वो अक्सर में आप समझ जाए ना कुछ चीजें, आप लोग खुद भी समझ जाए, हर चीज मुझी से कहलवाना जरूरी क्या, मेरी सुपारी तो नहीं ली हुई आप लोगों ने। खैर हम बात क्रिकेट कुछ इसी तरह की हो गई है पाकिस्तान में, और इसी तरह से लोग क्रिकेट खेलने लगे, लेकिन साथ साथ जी भांग की काश्त से $2 बिलियन कमाए जा सकते हैं, यानी $2 बिलियन जो है वो भांग की काश्त करके आएंगे, ये कहना है जी शिबली फराज साहब का। तो मैं तो कहती हूँ शिबली फराज साहब डायरेक्ट कोकेन पे ही चले जाए ना, कोकीन ले लें, और उससे आप जानते ही हैं कि फिर तो बहुत पैसा आएगा, इतना आएगा कि हम, जैसे मैंने कहा था पहले भी, कि दूसरी कंट्रीज को भी देने लग जाएंगे, यानी वो जो कहते हैं ना भंग का रंग जमा हो चकाचक फिर लो पान चबा, मेरे ख्याल बच्चन साहब माइंड कर जाएंगे, इतना इतनी मैं बेसुरी हूँ। खैर हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन जी ऐसा नहीं है कि तमाशे सिर्फ हमारे यहाँ होते हैं, तमाशे आपके यहाँ भी होते हैं, इंडिया में भी होते हैं, और हम अपने इंडियन दोस्तों को दिखाते हैं कि आपके यहाँ क्या होता है। कल सोशल मीडिया पे चल रहा था कि जो वो मिस यूनिवर्स बनी है हमास संधु, उसने फोन किया चन्नी साहब को कि जी मैं हमास संधु बोल रही हूँ, मिस यूनिवर्स बन गई। हरनाश कौर संधु, हमास संधु, हरनाश कौर संधु, हमास संधु जी। तो ये थे जी आपके यहाँ के लीडर, और बिल्कुल जिस तरह से बात कर रहे थे, जिस तरह से नाम ले रहे थे, ऐसे इस तरह से गलत नाम तो हम पाकिस्तानी अक्सर लेते क्योंकि जाहिर है हमें उस तरह से आदत नहीं होती, लेकिन ये तो इंडियन है, इनको तो सही नाम आना चाहिए था। खैर हम आगे बढ़ते हैं जी, हम आपको ये बता दें कि जी इमरान खान साहब यानी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने जी सबका जो बैंक्स हैं, जो पाकिस्तान में बैंक हैं, उनका शुक्रिया अदा किया है कि अब वो लोगों से जो है उर्दू में बात किया करेंगे, यानी उससे पहले ऐसा लग रहा है जैसे कोई रोमन या फ्रेंच में या जर्मन में बात किया करते थे। ऐसा खान साहब का कहना है कि जी अब उर्दू में बात होती है, तो खान साहब पहले कौन सी जबान में बात होती थी। लेकिन साथ साथ खान साहब ने ये भी कह दिया है, यानी कि इमरान खान साहब ने ये भी कह दिया है कि जी आप लोगों ने, यानी कि बैंक्स ने जो है वो शलवार कमीज पहन के बैठना है, यानी अब वो कहीं अगले दिन ये ना कह दें कि जी नाइट सूट में ही आ जाया करें, बहुत से लोग तो आप जानते हैं ना धोती पहन के सोते हैं, तो वो
धोती पहन के आ जाएंगे बैंक में काम करने के लिए। अजीब किस्म के लोग हैं वैसे, ये क्या बात हुई कि जी आप शलवार कमीज पहन के आए। कितने लोग स्मार्ट लगते हैं जब सूट पहन कर आते हैं या पैंट शर्ट पहन के आते हैं या टाई लगा कर आते हैं बैंक में, जो बैंक के वर्कर्स हैं तो स्मार्ट लगने में। खान साहब कहते हैं ना 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 ना, खान साहब ने कहना है कि जी शलवार कमीज पहन के अब सारे बैंक में जो लोग काम करते हैं बैंकर्स वो सब शलवार कमीजें पहन कर आए। और जैसा मैंने कहा कि नेक्स्ट टाइम खान साहब ने ये कहना है कि जी अब आप लोग नाइट सूट में भी आ सकते हैं। तो देखते हैं कि किस तरफ लेके जा रहे हैं खान साहब मुल्क को, ये आपको सोचना पड़ेगा। मगर खैर, हम एक पुराना क्लिप आपको दिखाते हैं शेख रशीद साहब का और उनके साथ इमरान खान साहब का, और देखें वो पहले एक दूसरे के बारे में क्या राय रखते थे। लेकिन साथ साथ ये भी है कि शेख रशीद साहब रिसेंटली कुछ बीमार हो गए थे और उनका कहना है कि मैं बीमार हुआ तो मुझे पता लगा कि मेडिसिन प्राइस कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। हैरत की बात है कि उन्हें पहले नहीं पता था। खैर पहले वीडियो देखते हैं। कामयाब सियासतदान है ना? ये देखें, मैं टीवी पे कहता हूँ अल्लाह मुझे शेख रशीद जैसा कामयाब सियासतदान कभी ना करे, इसे बेहतर मैं फेल ही रहूं। मामूली कप्तान है, फेल रहा हूँ हमेशा। मैं चाहता हूँ कि मैं फेल रहा हूँ लेकिन इनकी तरह कामयाब ना हूँ मैं। एक आपने पार्टी, ये कामयाबी है कि पहले आप नवाज के मेरी बात सुन, आप नवाज की वोट इकट्ठे करते हैं और लोटा होकर इधर चले जाते हैं। ये आपको हर आदमी ऐसा नजर आता है शेख साहब? आप तो अमरीका भी आप फतह कर लेना, आप उसके भी बन जाएंगे। क्रिकेट की ग्राउंड तो नहीं है, आप वही बन जाएंगे। जी आपने देखा इमरान खान साहब और शेख रशीद साहब एक दूसरे के बारे में कितनी अच्छी राय रखते थे और अब किस तरह की बातें करते हैं। बिल्कुल जी, आप आगे बढ़ते हैं और हम आपको जी ये बता दें कि बिल्कुल ये जैसे मैंने आपसे कहा कि शेख रशीद साहब का कहना है मैं बीमार हुआ तो मुझे पता चला कि महंगाई हो गई है और जो मेडिसिन है वो कितनी महंगी हो चुकी है, हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम रही है, ये कहना है जी शेख रशीद साहब का। लेकिन शेख साहब इसके लिए आपको बीमार होना पड़ा, ये हमें बड़ा अफसोस है, लेकिन शुक्र है आप बीमार हुए तो आपको पता लगा। आप कोई आपका जो है वो खाना पीना बंद कर दे तो आपको पता चले कि खाना पीना कितना महंगा हो गया। पाकिस्तान में लोग जो है वो दो टाइम का खाना नहीं खा पा रहे, लेकिन आप तो सर रज के खा रहे हैं, तो किसी वक्त कोई अगर आपको खाना भी ना दे तो आपको पता लगेगा कि महंगाई का क्या हाल है। खैर हम आगे बढ़ते हैं जी, और हम आगे बढ़ते हुए आपको ये बता दें कि जैसे कि पहले हम आपको बता चुके हैं कि जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं शौकत तरीन साहब, आपका सेनेटर बन गए हैं, उनका कहना है कि जी आईएमएफ की शर्त पूरी करेंगे और 350 बिलियन टैक्स की जो छूट दी गई है यानी जो रिलीफ दिया गया है पब्लिक को वो वापस ले लिया जाएगा। तो सर पब्लिक को आपने पहले ही कोई रिलीफ नहीं दिया है और अब आप अगर इस तरह की बातें करके पब्लिक को और डराने की कोशिश कर रहे हैं तो रहने दें, क्योंकि पब्लिक तो पहले ही आप लोगों की बातें सुन सुन के पब्लिक का जो हाल है वो हम पब्लिक को पहले ही दिखा चुके हैं कि इस बंदर की तरह पब्लिक उल्टी लटकी हुई है और सोच रही है कि क्या करे। साथ साथ नवाज शरीफ साहब की वापसी की भी बातें हो रही हैं, पीपल्स पार्टी भी बड़ी एक्टिव नजर आ रही है, बार बार कहा जा रहा है कि अगली बार इमरान खान साहब की बारी नहीं आ सकेगी, ये भी सुना जा रहा है। उसके बाद से खान साहब जो है वो हाथ जोड़ जोड़ के जो है वो अपने लिए दुआएं कर रहे हैं और मेरा ख्याल है वो अदनान समी साहब का गाना गा रहे होंगे कि मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे। बिल्कुल सही है। और लेकिन मैंने ये भी सुना है कि जी मेरी वीडियो देखने के बाद खान साहब का बीपी लो हो जाता है या पता नहीं हाई हो जाता है, तो खान साहब जो है वो अपना बीपी भी चेक कराते रहते हैं। मगर खैर हम आगे बढ़ते हैं और हम आगे बढ़ते हुए ये जरूर कहेंगे कि अभी यहाँ से हम चलते हैं और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जल्दी आपसे फिर मिलेंगे। थैंक यू।